एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनिस आप सभी के बीच एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट की चर्चा करने वाला हूं, जिसका रिजल्ट अभी अभी जस्ट रिलीज हुआ है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि MPPGCL की वैकेंसी आई हुई थी, जिसका नोटिफिकेशन फरवरी 16 फरवरी को रिलीज हुआ था, फरवरी में रिलीज हुआ था और उसका लास्ट डेट मार्च तक था, 16 मार्च तक था। दोस्तों, MPPGCL में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई थी, इलेक्ट्रिकल वालों की, सिविल वालों की, मैकेनिकल वालों की वैकेंसी आई हुई थी, लेकिन हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रिकल वालों की। तो हम उस साथ ही साथ उस पीडीएफ का पीडीएफ भी दिखाएंगे आपको, जिसमें वैकेंसी मेंशन था और रिजल्ट जो आया है वो भी बात चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो कंफ्यूजन एक बच्चों के बीच आया, क्या ओबीसी का रिजल्ट आया, क्या जनरल का रिजल्ट आया, क्या सबका रिजल्ट आया, तो मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि आज जो रिजल्ट आया है वो एक स्पेसिफाइड कैटेगरी का रिजल्ट आया है। दोस्तों, एमपी के अंदर एक प्रिमिटिव ट्राइब्स है जो कैटेगरी एसटी के अंदर आता है, ये रिजल्ट उनके लिए आया है। ओबीसी का रिजल्ट अभी पेंडिंग में, उसमें भी मैं चर्चा करूंगा वो कब आएंगे, क्या आएंगे, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं दूंगा। लेकिन तब तक सबसे पहले आप ये जान ले कि जो आज जो रिलीज हुआ है डेट, आज के डेट में जो रिलीज हुआ है रिजल्ट, वो एक स्पेशल कैटेगरी जो एमपी के अंदर एसटी कैटेगरी है, प्राइमेटिव कैटेगरी, दैट मींस आदि जनजाति, उनके लिए आया है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको उस साइट पर ही चलते हैं जहाँ पे रिजल्ट है, जहाँ पे वैकेंसी के बारे में जानकारी है। सबसे पहले मैं वैकेंसी आपको दिखा देता हूँ, उसका पीडीएफ आपको दिखाता हूँ, कितनी वैकेंसी थी इलेक्ट्रिकल में, जो कंबाइंड वैकेंसी थी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, प्लांट, इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल के लिए जो वैकेंसी थी, उसका मैं एक पीडीएफ दिखा देता हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं आपको प्रोसीजर दिखाऊंगा कैसे कैसे जो रिजल्ट है वो डाउनलोड करना है और विजिट करना है, वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं पीडीएफ की ओर ले चलता हूँ। दोस्तों, मैंने पीडीएफ खोल लिया, आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। दोस्तों, रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस कैडर्स इन स्टेट पावर सेक्टर कंपनीज ऑफ एमपी ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2022-23 में आया हुआ था। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसीज थी वो डिफरेंट 6 एरियाज में थे, एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड MPPGCL, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड MPPTCL, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड MPPMCL, फिर एमपी पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड MPPAOKVVCL, मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड MPMKVVSEL, फिर मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड MPPAKVVCL। दोस्तों, इन 6 रीजनों में आपकी वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें टोटल सीट, नंबर ऑफ सीट जो थे उसकी भी चर्चा करूंगा। चलिए, उसकी तरफ बढ़ता हूं और दिखाता हूं कितने सीट्स थे जिसमें इलेक्ट्रिकल वाले, देखिए आप देख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, टेक्निकल वगैरह की सीट थी। चलिए, मैं आपको ले चलता हूं इलेक्ट्रिकल वगैरह की तरफ, जहां इलेक्ट्रिकल जेई लेवल की पोस्ट थी वहां पे मैं आपको ले चलता हूं जूनियर इंजीनियर की तरफ। दोस्तों, मैं पीडीएफ के जब जूम कर रहा हूं, आप देख सकते हैं जो पोस्ट कोड 11 है उसमें आप साफ देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं यहां पे कि जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग वालों के लिए सीट आई थी। ये रेगुलर वैकेंसी थी जिसका पोस्ट कोड 11 था, ये आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे मेंशन विजुअल है, पोस्ट कोड 11 के जो सीट थे। तो आपको मैं कैटेगरी वाइज भी बता दूं कि कैटेगरी वाइज जो सीट्स थी वो 67 अनरिजर्व में, एससी कैटेगरी में 38 सीट्स थे, वहीं एसटी कैटेगरी में 49 सीट्स, ओबीसी में 64 सीट्स थे, वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 22 सीट्स थे। दोस्तों, टोटल जो सीट्स थी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल वालों की, वो टोटल सीट्स थी आपकी 240। दोस्तों, टोटल सीट्स जो आपकी थी वो 240 थी, याद रखेंगे इस चीज को। तो इसमें एक स्पेशल कैटेगरी जो एसटी कैटेगरी है, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, उसके रिजल्ट आए हुए हैं, ये भी जानेंगे कि उसमें जो 49 सीट्स है उसमें कितने बच्चों का रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट आया है। तो चलिए, उस पीडीएफ की ओर ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं वो पीडीएफ आपको डाउनलोड भी कैसे करना है। चलिए बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले गूगल के क्रोम ब्राउजर पर चले जाना है, वहां पे आपको जाकर MPPGCL सर्च मारना है। जैसे मैं आपके सामने अभी सर्च मारूंगा, यहाँ पे देखिए मेरा सर्च मारा हुआ है, तो आप क्लिक कर लेंगे MPPGCL। जैसे ही आप MPPGCL क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो लिंक आएगा, दोस्तों आप देख लीजिए MPPGCL का जो सबसे पहले लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर आप इसे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट सेक्शन में हमारे कैटेगरी जो है वहाँ पे कुछ ब्लिंक कर रहा है कैरियर्स न्यू करके। तो उस सबसे पहले उस कैरियर न्यू पे जो है उस पर हम क्लिक कर लेंगे और पीडीएफ को वहाँ से एक्सेस करेंगे। पहले कैरियर न्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब कैरियर न्यू को आप क्लिक करके खोलेंगे तो आपको ऐसा फॉर्मेट देखने को मिलेगा, एक नोटिफिकेशन का पूरा लिस्ट रहेगा कैरियर सेक्शन में, जिसमें वेरियस टाइप्स के नोटिफिकेशन है, लेकिन आपको वो नोटिफिकेशन देखना है जो हमारे काम का है, जिसमें रिजल्ट आया है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं मेंशन है यहाँ पे, जब आप यहाँ पे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि नोटिस रिगार्ड, इसको देखना है आपको, नोटिस रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब कैंडिडेट्स अंडर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर पोस्ट कोड्स 009-010-011 and 012। दोस्तों, हमारी जो वैकेंसी थी इलेक्ट्रिकल वालों की वो 011 पे थी, याद रखना है पोस्ट कोड हमारा 011 था, तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस है। और ये लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब कैंडिडेट्स हैं जो, देखिए दोस्तों, ओबीसी का रिजल्ट अभी रिलीज नहीं किया है,
क्यों नहीं क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि जो प्रिमिटिव ट्राइब्स की जो लिस्ट है उसे ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे और पीडीएफ को ओपन कर लेंगे। तो ये इस लिंक पर क्लिक करते हैं और पीडीएफ को हम ओपन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम जब इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये पीडीएफ हमारा जो है एक सेक्शन आया है, उस सेक्शन को देखेंगे। जब सेक्शन आता है, पोस्ट कोड हमारा 011 है, तो उस पर एक लिस्ट PT011 करके है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है और पीडीएफ डाउनलोड है, आपको मैं दिखाता हूँ। पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है, चलिए पीडीएफ ओपन हो रहा है, देख सकते हैं दोस्तों आप, ये पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों ये सिर्फ प्रिमिटिव ट्राइब्स, डैट मीन्स देखिए दोस्तों MP में जो ST कैटेगरी है उसमें भी प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, डैट मीन्स कुछ स्पेशल ट्राइब्स हैं जिनको प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है, आदिम जनजाति जिसे बोलते हैं, तो उन्हीं का रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ है जिनको प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। याद रखना है ये जो रिजल्ट है वो प्रिमिटिव ट्राइब्स का है, ऊपर क्लियरली मेंशन है। तो दोस्तों इसके जो रिजल्ट है उसे स्क्रॉल करके देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो रिजल्ट है आपको क्लियरली विजुअल होगा, यहाँ पे उसने सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं MPPGCL 1013556, फिर रोल नंबर उन्होंने मेंशन किया है और फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट अजय कुमार बैगा। और एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि पूरा जो ये कम्युनिटी है जो अप्लाई, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे होंगे, अप्लाइड एज प्राइमेटिव ट्राइब कैटेगरी फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP अंडर ST कैटेगरी, और पढ़ सकते हैं सहरिया बैगा भरिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कैटेगरी है वो बैगा और भरिया यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसमें चार कैटेगरी आपको दिख रहा होगा, सहरिया बैगा एंड भरिया। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है दिख रहा है आपको वो बैगा कम्युनिटी एंड एज वेल एज वैरिया कम्युनिटी का आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसमें जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ लोकेट हुआ वो भी आपको दिख रहा होगा, और इसमें किस कौन से जो यहाँ पे छः आपको मैंने शुरू में बताया कि जो 6 जगह पे ट्रांसमिशन में मध्य प्रदेश से पूर्वी क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र में ये जो वैकेंसी थी, और उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन में पावर जनरेटिंग में जो वैकेंसी थी वहाँ जो एलोकेट किया गया वो कंपनी आप यहाँ देख लीजिएगा, एलोकेशन कहाँ कहाँ किनका हुआ यहाँ पे हुआ है। एक चीज़ जब आप और देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे सेकंड नंबर पे जो वंदना भारतीय हैं बैगा कम्युनिटीज हैं वो फीमेल कैटेगरी से यहाँ पे फीमेल भी मेंशन कर दिया उसने। एक चीज़ जब आप और नीचे जाइएगा तो 8 नंबर पे आप देखिएगा अभिनव भारतीय जो भैरिया कम्युनिटीज हैं यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल कैंडिडेट लिखा है इन्होंने, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या चीज़ है। तो इस PDF को आप यहाँ पर से देख लेंगे, एक्सेस कर सकते हैं। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें जो रिजल्ट है दोस्तों ये प्योरली प्रिमिटिव ट्राइब्स का है जो कि ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं MP स्टेट में, तो उनका ही लिस्ट है। जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो 12th नंबर पे एक और नाम है किशन प्रत्येति, जो भी बैगा कम्युनिटीज हैं और इनका डिस्ट्रिक्ट जो है सादोल डिस्ट्रिक्ट है, और ये MPPTCL का सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि 12 बच्चों का सिलेक्शन इसमें हुआ है जो कम्युनिटी बेस्ड जो कैटेगरी जो ST कैटेगरी में प्राइमेटिव ट्रायल्स हैं उसके थ्रू हुआ है। तो याद रखना है दोस्तों ये रिजल्ट जो है सिर्फ ST कैटेगरी के अंतर्गत प्राइमेटिव ट्रायल्स का है, ST कैटेगरी में प्रिमिटिव टाइप्स क्या है। दोस्तों फिर हम बात करते हैं कि OBC का रिजल्ट क्या है। दोस्तों हाल ही में कुछ दिन पहले जो MPPGCL साइट है उस पर एक नोटिस आया था, उसने अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया था कि जो OBC का जो रिजल्ट है, OBC का जो मैटर है वो वहाँ के कोर्ट में निलंबित है। दोस्तों OBC का जो रिजर्वेशन का मैटर है 14% और 28% के समथिंग, उस पर वो मैटर अभी कोर्ट में निलंबित है। दोस्तों MP के कॉल पेपर हुआ था, MP सब इंजीनियर, उस समय भी ये मामला कोर्ट में गया था। तो दोस्तों जब तक वहाँ की हेयरिंग कंप्लीट नहीं होती है, जब तक फैसला नहीं आता है, तब तक ये OBC का रिजल्ट अभी पेंडिंग में ही रहेगा, और ये अभी फैसला कोर्ट में है। और जैसे ही कोर्ट के बाद ये फैसला बाहर आता है, OBC का जो रिजर्वेशन है जैसे ही वो फिक्स्ड हो जाता है और बाहर फैसला आता है तो इसका भी रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट रिलीज होगा मैं आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन के साथ रिजल्ट के बारे में अच्छे से जानकारी दूंगा यहाँ पे। तो यह जो रिजल्ट है वो एक चीज़ याद रखना है आपको, सिर्फ ST ट्राइब्स के लिए है, ST ट्राइब में भी एक कैटेगरी है प्रिमिटिव ट्राइब्स उसके लिए है, तो आपको ये चीज़ याद ध्यान रखना है। और दोस्तों जिनका भी रिजल्ट हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया, DB के लिए बुलाया गया। आप बाकी PDF नीचे एक्सेस करके देख लेंगे, जो लिखा हुआ है यहाँ पे मेन चीज़ें आप लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे, सिलेक्शन ऑफ द शॉर्टलिस्ट जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप उस चीज़ को पढ़ लेंगे, बहुत मेंशन इंपॉर्टेंट चीज़ है तो याद रखेंगे, इसी को पढ़ लेंगे। और दोस्तों जिन लोगों को इसके बारे में इस PDF को एक्सेस करना है, वो चाहते हैं PDF को एक्सेस करना, तो इसी YouTube वीडियो के चैनल की जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए, इस साइट का लिंक चाहिए, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, आप वहाँ से इस लिंक पर जाकर क्लिक करके MPPGCL के साइट पर जा सकते हैं। तो दोस्तों यही अपडेट था कि ST कैटेगरी के बैगा समुदाय जो है और भाई बैरिया समुदाय जो है जो प्राइमेटिव ट्राइब्स में आते हैं उसका रिजल्ट MPPGCL ने रिलीज कर दिया है। तो यही इन्फॉर्मेशन था,
फिर भी एक चीज और, आपको हमारे चैनल पे बने रहना है और इसी तरह नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके तक हमारा चैनल का जो नोटिफिकेशन है, हमारे वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है, आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे कंटेंट के साथ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।